आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी वोटिंग कल होनी है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करके हैट्रिक की ओर जाएगी, जो जीत का क्रम 2021 में 4-0 के परिणाम के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया था, 2022 में हिमाचल के आम चुनाव जनरल असेंबली के जब हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई, और इस दफा भी आपके जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 34 वार्ड के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और 10 वर्ष के बाद, क्योंकि पहले 5 वर्ष आपके हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित मेयर और डिप्टी मेयर रहे, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर रहे, और इस दफा हिमाचल हमारे शिमला राजधानी की जनता जनार्दन ने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे, एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रदर्शन करेगी, और साथ ही साथ इस चयन और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर जो 5 महीनों की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके द्वारा जो हर वर्ग के हित में जो निर्णय लिए गए, उस पर अपनी आशीर्वाद देकर मोहर लगाएगी। मतदाताओं से अपील यही रहेगी, कांग्रेस जो है हितेशी हमेशा, चाहे वो बागवान है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, इम्प्लॉयज हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स है, सबके हितेशी हमेशा कांग्रेस रही है, और कांग्रेस के टाइम में ही हमेशा तरक्की रही है। भाजपा के ऊपर तो ग्रहण ऐसा है कि मोदी साहब बने हैं, देश की तरक्की रुक गई है, उल्टा GDP जो है वो नीचे चलेगी है। जयराम जी बने 5 साल जो है गप्पों में और नोटिफिकेशनों में, कभी नोटिफिकेशन करते थे कभी वापस लेते थे, इसी में 5 साल जो है निकाल दिए हैं। तो मैं समझता हूँ, और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने कॉरपोरेशन के लिए ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर लिया है, चाहे वो केबल कार का हो, 2 साल के अंदर आप देखेंगे, 2-2.5 साल के अंदर जो है केबल कार जो है शिमला शहर में इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक की भी थोड़ी जो है कंजेशन जो है कम होगी, उसके लिए ऑलरेडी प्रारूप बना लिया गया है बिल्कुल, और NOC उसकी अप्लाई ऑलरेडी का अप्लाई करने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ में ही जो हमारी सड़कें हैं इतनी खराब हालत है, किसी भी आप कॉरपोरेशन की रोड में चले जाओ इतनी खराब हालत है, उसके लिए ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी कर दिया था, और पैसे भी जो है कॉरपोरेशन के खाते में आ गए थे, कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी इसके टेंडर इलेक्शन से पहले लगा दिए थे, क्योंकि आचार संहिता हो गई इसलिए खुल नहीं पाए वो, तो मैं जैसे आचार संहिता खत्म होगी 5 तारीख को, उस दिन जो है वो अवार्ड भी कर दिए जाएंगे। पिछले कल रात को जो है आपके सामने जो है मीडिया के सामने, जिसको लाइव भी किया गया, जो हमारी पूर्व मेयर रही हैं सत्या कौंडल जी, उन्हीं के नाम की गाड़ी पे, जिसका नंबर है HP07C1443, उसमें जो है चौरंठी क्षेत्र में जो है शराब पकड़ी गई, और उनके बेटे जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए, जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करी है, तरुण ठाकुर उनका नाम है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्म की बात है कि चुनाव जीतने के लिए ये लोग जो पैसा भी बांट रहे हैं और शराब भी बांट रहे हैं, ऐसा है। वो तो आरोप वो लगा रही है, वो सब कुछ कैमरे के ऊपर है, वो सब कुछ कैमरे के ऊपर है, वो FIR ऑलरेडी जो है उसके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर दर्ज हुई है, जो गाड़ी में साथ में था। तो ये तो कहने की बात है, जो गप्पे मारने वाली बात है कि अब ऐसा हो गया, अपने आप बचाव करने के लिए जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वो सब कुछ कैमरे के ऊपर है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और कोर्ट में जो है जल्दी उसका चलान पुटन होगा। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, एडमिशंस ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।